Welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. अपनी खास दोस्त कैटरीना के क्रिसमस प्लान के लिए सलमान ने लिया एक बिग डिसीजन. पीसी निक की शादी के लिए क्यों बना दिए गए हैं स्ट्रिक्ट रूल्स? क्या रणबीर आलिया की ऑफ स्क्रीन जोड़ी को ऑन स्क्रीन एनकैश करने में लग गए हैं ब्रह्मास्त्र के मेकर्स? सलमान खान ने खास दोस्त कैटरीना के लिए किया एक बड़ा काम. कैटरीना के क्रिसमस प्लान के लिए सलमान ने लिया एक बिग डिसीजन. सलमान ने कैटरीना के लिए आखिर ऐसा क्या किया? सलमान खान और कैटरीना कैफ इन दिनों सुपरहिट फिल्म सुल्तान फेम डायरेक्टर अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही फिल्म भारत की शूटिंग में बिजी हैं. पंजाब में लगे फिल्म भारत के सेट की शूटिंग से दोनों की फोटोज वायरल भी हो रही हैं. अगर सोर्सेस की माने तो कैटरीना हर साल की तरह इस साल भी शूटिंग से ब्रेक लेते हुए क्रिसमस अपनी फैमिली के साथ लंदन में सेलिब्रेट करना चाह रही हैं। कैटरीना की इस विश की वजह से सलमान खान ने भारत की शूटिंग से ब्रेक लेने का मन बना लिया ताकि कैटरीना को क्रिसमस के लिए कुछ दिनों की छुट्टी मिल सके. साफ है, अपनी खास दोस्त कैटरीना की कोई भी विश हो उसे पूरा करने के लिए सलमान खान हमेशा रेडी रहते हैं. संदेश अगाटे, ज़ूम मुंबई. अमिताभ और जया बच्चन ने कल सिटी में अटेंड किया एक बुक लॉन्च इवेंट. Indulging in a long discussion with author Siddharth Sanghvi, Amitabh ne yahan apne papa aur prolific poet Harivansh Rai Bachchan ji ki ek poem bhi ki recite. Jeevan ki aapat abhi mein kab waqt mila ki der kahin par main kabhi ye soch sakun jo kiya kaha maan usme kya hua. Jis din meri chetna jagi maine dekha main khada hua is duniya ke mele mein. हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भुला हर एक लगा है अपनी अपनी देर देर में कुछ देर रहा हक्का पक्का वो चक्का सा आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जहाँ फिर एक तरफ से आया ही तो थक्का सा मैंने भी पहना शुरू किया इस रेल में. मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी शिलार कल बेल्जियम कॉन्सुलेट में पहुंची टू सेलिब्रेट द बेल्जियम किंग डे. वेयरिंग अ ड्रेप साड़ी विद स्लिक पुल्ड बैक हेयर, मानुषी हियर लुक्ड क्लासी एंड शीक. एट द लॉन्च पार्टी ऑफ अ क्लब इन द सिटी लास्ट नाइट नजर आए कई बॉलीवुड स्टार्स. सीन हियर इन देयर पार्टी रेडी अवतार्स वर श्रद्धा कपूर, कृति सैनन, करण जौहर, अभय देओल, मीरा राजपूत हु अटेंडेड द बैश विद ईशान खट्टर, Preeti Zinta, Rakul Preet Singh and Kritika Kamra. Kya Ranbir Alia ki off-screen jodi ko on-screen encash karne mein lage hain Brahmastra ke makers? Kya Ranbir Alia ke pyar ke kisson ko hit hote dekh Brahmastra ke makers ne badha di film ki series? Kya ab Karan Johar Ranbir Alia starer Brahmastra ke banayenge 5 parts? बी टाउन के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले लव बर्ड्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पहली बार करण जौहर के प्रोडक्शंस में बन रही फिल्म ब्रह्मास्त्र की वजह से सुर्खियों में हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों में अभी बेहद एक्साइटमेंट देखी जा रही है. करण जौहर ने भी हाल ही में फिल्म के फर्स्ट पार्ट की रिलीज डेट का ट्वीट करते हुए ऐलान किया था. बताया जा रहा है कि पहले रणबीर आलिया स्टारर ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने ट्रिलॉजी बनाने का फैसला लिया था, लेकिन अब सोर्सेस की माने तो करण और फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी फिल्म के और भी पार्ट्स बनाने की संभावना देख रहे हैं. अपेरेंटली अगर सब कुछ सही रहा तो अब ब्रह्मास्त्र के 3 पार्ट्स नहीं बल्कि 5 पार्ट्स बनने जा रहे हैं. सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि रणबीर आलिया की ब्रह्मास्त्र के 5 पार्ट्स बनाए जाएं या नहीं ये पूरी तरह से पहले 3 पार्ट्स पर ऑडियंस के रिएक्शन पर डिपेंड करेगा.
वेल अब देखना होगा कि रणबीर आलिया की रियल लाइफ जोड़ी को रियल लाइफ पर कितना प्यार मिलता है। पसंद है Zoom Mumbai। Lake Como last night saw the biggest Bollywood weddings in the recent times. Last night, after an alleged relationship of 6 years, Ranveer aur Deepika kal ho gaye ek dusre ke. After a Konkani style wedding the day before, kal Lake Como ke Casta Diva resort mein ek baar phir ki shaadi in a lavish and flamboyant Sindhi style. Starting with the Anand Karat ceremony, Deepika ki family kal venue par pahunchi jaldi to welcome their baratis. But breaking all stereotypes, Ranveer ghodi par chadkar nahi balki seaplane se pahunche at the venue to take the wedding vows with his lady love. Ranveer apne baki baratis ke saath pahunche dancing to his favorite 90s Bollywood tracks from his Write Up playlist containing tracks like Meri Pant Bhi Sexy. Yahan interesting baat ye rahi that Deepika aur Ranveer ke wedding outfits kar rahe the ek dusre ko perfectly compliment. While Deepika had worn a red Sabyasachi sari, Ranveer matched her dress, sporting a pinkish-red Indian ensemble by the same designer. The two families were also dressed in shades of red and pink. The guests yesterday were treated with some popular Sindhi delicacies like dal pakwan, Sindhi kadi chawal, sev barfi and the likes. While the whole nation cannot stop looking at the wedding pictures, which have broke the internet, रणबीर और दीपिका के अडोरेबल केमिस्ट्री के अलावा यहाँ देखने वाली बात रही थी द जायंट डायमंड रिंग दीपिका इज सीन अडॉर्निंग इन हर फिंगर। एज पर सम सोर्सेस दिस रिंग इज वर्थ एनीवेयर अराउंड 1.3 टू 2.7 करोड़ रुपीस। Besides the celebrations in Italy, Deepika aur Ranveer ne Mumbai mein bhi kal kiya celebrations ko extend. Both Ranveer's and Deepika's homes were seen decorated with lights and flowers last night to mark the best day of their lives. Besides all the celebrations and the marriage, something else that has caught everyone's eyes is the special gift Ranveer and Deepika received from Farah Khan. रणवीर और दीपिका इटली जाने से पहले फराह खान से मिलने पहुंचे थे टू इनवाइट हर फॉर द सेरेमनी, बट दे वर इन फॉर अ वेडिंग सरप्राइज बाय फराह। फराह ने रणवीर और दीपिका को आर्टिस्ट भावना जसरा की हेल्प से गिफ्ट किया क्ले इम्प्रेशन ऑफ द टू होल्डिंग देयर हैंड्स। इस स्पेशल जेस्टर के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर हर जगह छाए हुए हैं। सुनने में आया है कि रणवीर और दीपिका नवंबर 18 को इंडिया लौटेंगे, where they'll continue the celebrations. As for now, the two are busy parting with their closest family and friends in Italy, post the two elaborate wedding ceremonies. Bureau Report, Zoom, Mumbai. दीपिका रणवीर के मैरिज के बाद अब आई प्रियंका निक की शादी की बारी। पीसी निक की शादी के लिए अभी से बना दिए गए हैं स्ट्रिक्ट रूल्स। आखिर प्रियंका निक की शादी के लिए क्यों बनाए गए हैं नियम कायदे? इटली में दीपिका रणवीर ने जहां साथ फेरे लेते हुए एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाने की कसमें खा ली, तो वहीं अब इन दोनों हॉट स्टार्स के बाद प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की शादी की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि प्रियंका और निक राजस्थान के उदयपुर में शादी करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, प्रियंका की टीम ने अभी से पापराजीज को सेंस ऑफ डेकोरम मेंटेन करने के लिए कह दिया है, एज देर आर मेनी फॉरेन सेलिब्रिटीज कमिंग इन। Apparently, there can be the presence of royalty, so they will have to follow royal rules if they attend the wedding. अब इन बातों को देखते हुए PC की टीम अभी से ध्यान रखना शुरू कर रही है। Well, अब
दीपिका रणवीर के बाद हर कोई पीसी निक की शादी का वेट कर रहा है। फनिकिता वधावन, जूम, मुंबई। इंडिया में आमिर की थग्स ऑफ हिंदुस्तान को मिले बैड रिव्यूज को देखते हुए मेकर्स ने लिया एक बड़ा फैसला। क्या चाइना में फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान को रिलीज करने के लिए मेकर्स ने अपनाई एक नई स्ट्रेटजी? क्या चाइनीज बॉक्स ऑफिस के लिए आमिर खान की थग्स ऑफ हिंदुस्तान में किया जाएगा बड़ा बदलाव? आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने जहां ओपनिंग डे पर रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करते हुए हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस मिलाकर 52.5 करोड़ के करीब बिजनेस कर तहलका मचा दिया, तो वही फिल्म को मिले नेगेटिव रिव्यूज ने धीरे धीरे वीकडेज पर असर दिखाना शुरू कर दिया। को क्रिटिक्स के बहुत ही बुरे रिव्यूज मिले हैं, जिसका असर इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, थग्स ऑफ हिंदुस्तान को अब चाइनीज ऑडियंस के लिए रीएडिट किया जा रहा है, जिसके तहत आमिर खान के रोल को बढ़ाया गया है, क्योंकि चाइनीज ऑडियंस के लिए वो बड़े स्टार है। अपेरेंटली Out of all the star cast, Amir has been the most popular among the Chinese audience and want to sell the film on his basis again. Amir Khan ki Dangal aur Secret Superstar ne Chinese box office par zabardast business karte hue record banaya hai. Humne jab is bare mein film ki PR team se baat ki to unka ab tak koi reply nahi aaya. लगता है फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान के मेकर्स आमिर खान की चाइनीज ऑडियंस के बीच बढ़ती पॉपुलैरिटी को एनकैश करना चाहते हैं। फनिकिता वधावन, जूम, मुंबई। क्या अर्जुन परिणीति की पेयरिंग से उठ गया है फिल्म मेकर्स का भरोसा? नमस्ते इंग्लैंड के डिबैकल के बाद क्या अब नहीं रह गया फिल्म मेकर्स को अर्जुन और परिणीति की जोड़ी पर एतबार? The two took a lot of appreciation home after their performance in Arjun's debut film Ishakzade. The film did well in box office and Arjun Pariniti's jodi proved to be a bankable one. Quite understandably, the makers tried to leverage on the same this year when Arjun aur Pariniti ko ek nahi balki do film offers saath aaye. But after their last release Namaste England tanked at the box office, unki agli film Sandeep aur Pinky Farar ko lekar film ke producers ab rehna chahte hain cautious. Sunne mein aaya hai that after the poor performance of Namaste England, संदीप और पिंकी फरार के मेकर्स अब इस फिल्म के प्रमोशनल एक्टिविटीज को रखना चाहते हैं मिनिमल। जहां पहले फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने कई एक्सटेंसिव प्रमोशनल स्ट्रेटजी सोच रखी थी, वहीं दे सीम टू हैव हैड अ चेंज ऑफ हार्ट आफ्टर नमस्ते इंग्लैंड टैंक्ड। द मेकर्स नाउ डोंट वांट टू स्पेंड मच ऑन द मार्केटिंग एक्टिविटीज ऑफ द फिल्म और अब मेकर्स चाहते हैं कि प्रमोशन से हटके वो फिल्म के ट्रेलर को ऑडियंस के लिए और इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग बनाने में लग जाएं। वी होप लक फेवर्स दिस बी डाउन जोड़ी दिस टाइम अराउंड और वो इस फिल्म के साथ एक बार फिर अपना इशकजादे वाला मैजिक कर पाए रिक्रिएट। फनिकिता वधावन, जूम, मुंबई। आखिरकार फैंस का इंतजार कल शाम हुआ खत्म जब रणवीर और दीपिका ने फाइनली अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किए अपने पहले वेडिंग पिक्चर्स। इन नो टाइम द पिक्चर्स ब्रोक द इंटरनेट और आलिया भट्ट, जैकलीन फर्नांडिस, करण जौहर, सोनाक्षी सिन्हा, करिश्मा कपूर, कृति सैनन जैसे कई स्टार्स ने इन पोस्ट्स पर रिप्लाई करते हुए किया दीपवीर की जोड़ी को विश। अपार्ट फ्रॉम दिस, रणवीर सिंह की एक्स फ्लेम अनुष्का शर्मा ने भी न्यूलीवेड्स को विश करने के लिए किया एक स्पेशल पोस्ट वेलकमिंग देम टू द क्लब।
After sorting out their long-running differences, Ajay Devgan bhai Kajol ke saath pahunche Karan Johar ke talk show par. Karan posed with the two announcing his latest guests. Iske alawa, Ajay ne bhi show ke set se ye photo share ki along with his good wife Kajol. Ajay also shared a candid video with Karan and Kajol, aptly captioning it saying, "And we laughed it off." Salman bane Katrina ke muse on the sets of Bharat. While shooting for the film in a picturesque location in Punjab, Katrina Salman ki ye picture click karti dikhi, which was shared by film's producer Atul Agnihotri. Sonakshi Sinha sizzled in her latest social media post, captioning it with a Leonardo da Vinci quote. Sara took to social media to announce the latest song from her debut Kedarnath, titled Sweetheart. Is gaane mein Sara apne co-star Sushant ke saath nazar aa rahi hai shaking a leg. Badhai ho ke super successful box office run aur audience se mile pyar ke baad, actress Neena Gupta got overwhelmed recently after receiving Big B's token of special appreciation. Neena ne social media par Amitabh Bachchan ke bheje hue handwritten letter aur bouquet ki photo share karte hue feel kiya grateful. Welcome to yet another segment of Fashion Friday. This week hum aapke liye laaye hain ek aisa easy going trend which is every girl's delight, the boyfriend styles. Blurring the lines between classy and funky, boyfriend style un female outfits ko kaha jata hai, which are loose-fitting, relaxed and tad bit more masculine version of their female counterparts. Is broad category mein aate hain a variety of styles like shirts, jackets, jeans, etc. So let's have a look at how your favorite B-town hotties are having fun with this look. When it comes to boyfriend jeans, ye kehna safe hoga ki wo actress jo isme feel karti hai her comfortable best is Anushka Sharma. Known to be a denim buff, Anushka usually apne ripped boyfriend jeans ko pair karti hai with white sneakers and sunnies. Priyanka Chopra ko airport par dekha gaya tha channeling some serious chic vibes. Priyanka yahan nazar aayi pairing her white lace top with boyfriend jeans, layering the look with a shrug. Green-eyed actress Aditi Rao Hydri ko dekha gaya tha playing it plain and simple in a plaid shirt along with her boyfriend denims and tan loafers. Kangna Ranaut bought out her inner rock star in an airport look. Kangna yahan nazar aayi in a printed tee knotted to the side paired with ripped boyfriend jeans. She carried a metallic bomber jacket and wore Dior shades. Is versatile wardrobe item ko kai tarah se kar sakte hain pair. Talking about boyfriend shirts, ye oversized shirts wo perfect clothing item hai to break the clutter in your closet. Sonam Kapoor ko dekha gaya tha sporting an ultra high neck boyfriend shirt which she paired with black pants. Deepika Padukone ko airport par dekha gaya tha giving the boyfriend shirt a rather more relaxed approach by leaving the top few buttons open. Aur sunnies ke saath Deepika ne is look ko kiya tha complete. So ye tha hamara aaj ka fashion segment. If you wish to follow similar trends, you can shop for similar styles on Myntra. Coming up on the show, Hina Khan ki hot pictures hui viral. कसौटी जिंदगी की 2 में हॉट एंड सेक्सी कुमालिका का रोल निभा रही हिना खान अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से रहती हैं सुर्खियों में। कुछ दिनों पहले हिना ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में सेक्सी पिक्चर्स सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी जो वायरल हो गए हैं। वहीं हिना अक्सर अपने वर्कआउट वीडियोज और फोटोज शेयर करती रहती है जिसे उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं। अब हीना ने एक बार फिर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ फोटोज शेयर किए हैं। She looks fit and fine in these pictures as she flaunts her washboard abs. Take a look.